ऑर्डर कैंसिल कैसे होते हैं? ये ब्लेम हमेशा से डिलीवरी बॉय के ऊपर लगता गया है कि इन्होंने अपने हिसाब से ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया डिलीवरी बॉय ने। तो यह हमेशा का सीन हो क्या है? क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, क्योंकि मैं खुद डिलीवरी कर रहा हूँ तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि आपने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया और आप लोग मेरा ऑर्डर लेके आए फिर लेके ही नहीं आए, आपने उधर से ही कैंसिल कर दिया। तो देखिए फ्रेंड, ऐसा इसका कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है कि हम लोग उसको ऑर्डर को कैंसिल कर दें बिना कस्टमर को बताए या बिना कस्टमर के सहयोग से, बिना कस्टमर के हेल्प से, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हमें पूरा करना रहता है, उसके बाद ही वो ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, उससे पहले वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता है। हाँ, ऑर्डर कैंसिल होने के दो तीन रीज़न और भी होते हैं। जैसे मैं डिलीवरी में काम करता हूँ तो जो मेरी डिलीवरी की ऐप है उसके अंदर जो भी प्रोसीजर दिए गए हैं ऑर्डर कैंसिल करने की, वो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, आप उसको थोड़ा सा चेकआउट कीजिए। ये देखिए जो वीडियो अभी चलने वाली है। सो फ्रेंड, अगर आपको किसी का ऑर्डर अगर कैंसिल करना होगा तो जैसे ये इसका नाम शो कर रहा है, तो अगर वो ऑर्डर कैंसिल करना चाहता है तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, रिटर्न टू डीसी पे, उसके बाद पेंडिंग में जाएंगे। पेंडिंग में जाने के बाद हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर रिफ्यूज द ऑर्डर। यहाँ पे जब हम जैसे और ये एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेगा कस्टमर चेंज हिज माइंड, यहाँ पे लिखेगा, तो हमको इसके ऊपर एक फिर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे उसका नंबर जाएगा, उसके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी अगर हमें बताएगा तो उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यही सब सिंपल सा कुछ प्रोसीजर है। और भी कुछ है, जैसे अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम इसको कंसाइनमेंट अवेलेबल लगाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो फ्रेंड, आपने देखा कि ऑर्डर कैंसिल कैसे होता है, लेकिन जैसे मैं जिसमें काम करता हूँ उसके अंदर कोई भी कस्टमर अगर पैकेट नहीं लेता है, कोई भी अपनी डिलीवरी नहीं लेता है, तो भी हमें उसको 3 दिन तक उसको फ़ोन करना रहता है, यानी उसके पैकेट को हमें 3 बार डिस्पैच कराना रहता है। 3 बार डिस्पैच कराने के बाद रोज़ कॉलिंग करनी पड़ती है। अगर रोज़ कॉलिंग के बाद भी 3 दिन तक अगर वो उस पैकेट को रिसीव नहीं करता है तो वो पैकेट अपने अपने आप ही वो कैंसिल हो जाता है। मैक्सिमम अटेम्प्ट उसके अंदर लग जाता है तो वो पैकेट अपने आप कैंसिल हो जाता है। नहीं तो अगर कस्टमर को हमने फ़ोन किया, अगर उसने हमें बोला कि मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है तुरंत, तो उसके नंबर पे हम लोग ओटीपी भेजते हैं, एक ओटीपी भेजते हैं जिसके नंबर उसके नंबर पे वो हमें ओटीपी बताएगा, तो फिर ऑर्डर इमिडिएटली कैंसिल हो जाता है। और भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि अगर कस्टमर ने जो पैकेट है उसको बोल दिया कि मैं उसको ओपन करके देखूंगा, खोल के देखूंगा, पैसा बाद में दूंगा, तो फिर उसके अंदर एक ऑप्शन होता है आस्क फॉर ओपन डिलीवरी, एक रिटर्न टू डीसी, जहाँ से मैंने पेंडिंग के लिए बटन दबाया था वहाँ पर रिटर्न टू डीसी में आस्क फॉर ओपन डिलीवरी का एक ऑप्शन होता है। इसका मतलब होता है कि कस्टमर ने ऑर्डर को खोलना चाहा है कैश देने से पहले, तो फिर हम लोग वहाँ पे भी यह ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। कई सारे प्रोसीजर, लेकिन सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं। लीगल प्रोसीजर को हम लोग करते हैं, जो जैसा कस्टमर की तरफ से रिस्पॉन्स होता है वैसे ऑप्शन पे हम लोग उसके जाके उसके साथ वैसा व्यवहार करता है। ऐसा कुछ नहीं कि हमने उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम ज़्यादा आस्क फॉर ओपन डिलीवरी नहीं लगा सकते। तो कई लोगों के दिमाग में मिथ था कि डिलीवरी बॉय बहुत सारे ऑर्डर को कैंसिल कर दे रहे हैं, बहुत सारा घोल कर रहे हैं, यहाँ मेरा ऑर्डर इधर ले जा रहे हैं उधर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर भी कई सारे प्रोसीजर होते हैं। कोई भी आइटम 3 दिन तक डिस्पैच होके पेंडिंग रह सकता है, उसके बाद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। आपको भी थोड़ा समझना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं थोड़े से व्यूअर्स को थोड़ा बता सकूं कि ऑर्डर कैंसिल होने की प्रोसीजर क्या है। जो भी नए लड़के जो मेरे वीडियो के थ्रू अगर ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो उन्हें भी ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो यही सी छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।